हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रिंडी। जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। सो आज का जो वीडियो है, दिस इज स्पेशल वीडियो जिसमें हम टॉप 100 जो वन लाइनर जनरल एग्रीकल्चर के आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एमसीक्यू की जगह हम वन लाइनर 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड टू जनरल एग्रीकल्चर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग ICAR JRF एग्जाम, ICAR SRF एग्जाम, ICAR NET एग्जाम, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम, या आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का HDO का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपका NABARD FCI या IBPS AFO का एग्जाम होता है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के साथ साथ इस पिछले जो हमने 53 पार्ट जो हम डिस्कस किए हैं जनरल एग्रीकल्चर MCQ सीरीज के, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारी जो हॉर्टिकल्चर MCQ सीरीज है, वेजिटेबल साइंस की MCQ सीरीज है, प्लांट ब्रीडिंग की MCQ सीरीज है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की MCQ सीरीज है आपके पास, तो ये वो सभी वीडियो जो हैं और साथ में हम जो दूसरे टॉपिक डिस्कस करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम टॉप 100 वन लाइनर जनरल एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिस्कस करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, द टेट्राजोलियम टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर, जो हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं वो किस पर्पज के लिए करते हैं। तो ये कंडक्ट किया जाता है आपका बाइबिलिटी एंड बिगर ऑफ सीड की बाइबिलिटी और बिगर को टेस्ट करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट आपको पता है लेकून ने दिया था 1942 में, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड आर, जो वर्ल्ड में जो फर्स्ट कल्टीवेटेड फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स थी वो कौन सी थी। जो फर्स्ट जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं क्रॉस द वर्ल्ड वो है आपकी वीट एंड बार्ले, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1873 में एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मीटियोरोलॉजी एस्टैब्लिश्ड इन 1932 इज सिचुएटेड एट, 1932 में जो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मीटियोरोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ था तो उस कहां पे सिचुएटेड था उस टाइम, इसका राइट आंसर है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट इज द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, जो सोलर रेडिएशन होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पायरेनोमीटर का, राइट। तो पायरेनोमीटर हो जाएगा आपका टू मेजर द सोलर रेडिएशन। द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, और जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन होती है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो दैट इज मेजर बाय एल्बिडोमीटर से, राइट। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि PAR, पार भी आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन में, तो पार भी लिखो था PAR इज इक्वल टू कैसे, है ना। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, तो जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होगी उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे हम पायरेलियोमीटर के साथ, राइट। नेक्स्ट इज द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म है ये किसने दी थी, निकोलस ने दी थी 1961 में। The condition of atmosphere at given place and at a given time is called, atmosphere की condition एक particular place पे एक particular time पे उस condition को हम क्या कहते हैं, तो that condition is known as weather. Next is the longest day in the northern hemisphere is, northern hemisphere में जो सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है, तो that is 21st of June. The relative humidity is measured by, relative humidity को हम कैसे measure करते हैं, hygrometer से, कौन सा instrument use किया जाता है, hygrometer. The agroecological zones in India, India में कितनी agroecological zones हैं, 20. The agroecological zones identified by NARP, ICR is, वो कितनी ICR की तरह 8 हैं, and by National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning 21 हैं. The agroclimatic zones in India कितनी हैं, 15 हैं. द ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एटसेट्रा। DDT's इंसेक्टिसाइडल एक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द स्विस केमिस्ट, जो DDT आपको पता होगा बहुत ही फेमस एक इंसेक्टिसाइड था, तो
तो डीडीटी का जो इंसेक्टिसाइडल एक्शन है ये किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका, जो आपका स्विस केमिस्ट थे, कौन? पॉल हरमन मुलर। कब? 1939 में। नेक्स्ट इज, डीडीटी वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कब हुआ था? 1874 में। किसके द्वारा? बाय ऑस्ट्रियन केमिस्ट ओथमर जेडलर ने। राइट, इंसेक्टिसाइडल एक्शन किसने डिस्कवर किया? स्विस केमिस्ट था पॉल मुलर 1939 में। और सिंथेसाइज कब हुआ था डीडीटी? सबसे पहले 1874 में। किसने सिंथेसाइज किया था? ओथमर जेडलर ने। द विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, जो विंड वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए? एनीमोमीटर। द विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड, जो विंड वेलोसिटी को हम मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? एनीमोमीटर से। और कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? नॉट। नेक्स्ट इज, द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड ब्लोस आर कॉल्ड विंडवर्ड साइड, तो जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो करती है उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। एंड टू विच इट मूव्स, और जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है, टू विच इट मूव्स उस साइड को कहते हैं हम लीवर्ड साइड। द फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, एग्रोक्लाइमेटिकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? कोपन को। नेक्स्ट इज, द थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। आईसीआर डायरेक्टोरेट ऑफ बी रिसर्च कहाँ पे है? जबलपुर में। द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट इज, द सेंट्रल टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड है कहाँ पे? श्रीनगर में, JNK में। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे? ब्राजील में। हु इज द फादर ऑफ पोमोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? डिकेंडोल को। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो कब बना था? 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। विच वेजिटेबल रैंक फर्स्ट अमंग द वेजिटेबल क्रॉप्स इन द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कौन सी वेजिटेबल है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन सी वेजिटेबल है जो फर्स्ट रैंक पे है अमंग द इन द प्रोडक्शन टर्म में? तो डेट इज योर पोटैटो। ओके, नेक्स्ट इज, इन इंडिया पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पोटैटो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? पोर्टुगीज ने। द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन CIP, ये कब इस्टेब्लिश होता है? 1971 में। कहाँ पे? लिमा पेरू में। CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1949 में। कहाँ पे? पटना में। द सीड प्लॉट टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। द कंसेप्ट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड टू रेज कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया कंसीव्ड बाय, जो TPS का कंसेप्ट है ये किसने दिया था? डॉक्टर S. रामानुजम ने, ठीक है, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर थे CPRI के, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के। द कॉलीफ्लावर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, कॉलीफ्लावर इंडिया में कब आई थी? बाय डॉक्टर जेम्सन के द्वारा। कब? 1822 में। द मेल स्टडी इन कॉलीफ्लावर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पियर्सन 1981 में। टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ कुकरबिटिस, कुकरबिट्स में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है? तो डेट इज कुकरबिटेसिन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग इंटरक्रॉप विद द मेन फ्रूट क्रॉप इज, जो मेन फ्रूट क्रॉप होती है उसमें जो इंटरक्रॉप्स लगाते हैं हम, उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू गेट द एडिशनल इनकम। रेटोनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज ए मैटर ऑफ रूटीन इन, रेटोनिंग हम कौन सी क्रॉप में प्रैक्टिस करते हैं? सुगरकेन में भी करते हैं और नेपियर ग्रास में भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज कौन सी है? सिंधु है। द मोस्ट एक्सपोर्टेड वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है? अल्फांसो है। द ब्लैक टिप इन मैंगो जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसके कारण होता है? ब्रिक किलन्स की जो फ्यूम्स निकलती हैं उससे होता है, जिसमें कि मोस्टली आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है या डेप्सेंसियो बोरोन। इन मैकेनिकल एनालिसिस में ह्यूमस फ्रॉम द सोइल सैंपल इज रिमूव्ड बाय द केमिकल, जो सोइल सैंपल से हम ह्यूमस को कौन से केमिकल के द्वारा रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन मैंगो, मैंगो में कौन सी टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है? गैमेटोफिटिक। द मैंगो वैरायटी मोस्ट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज, कौन सी वैरायटी मैंगो की जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है? डेट इज योर आम्रपाली। द ऑफसीजन वैरायटी ऑफ मैंगो इज कौन सी है? निरंजन। द ओनली म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है? रोजिका। मौसमी इज ए स्वीट ऑरेंज कल्टीवार वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो मौसमी है स्वीट ऑरेंज का कल्टीवार है, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था आपका? मोजम्बिक से। द एडिबल पोर्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट का जो एडिबल पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? जूसी प्लेसेंटल हेयर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाना कैन बी स्टोर्ड एट बनाना कम, कितनी आपकी स्टोरेज कंडीशन की होती है बनाना की? 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। बनाना इनिशिएट फ्लावरिंग इन, बनाना में फ्लावरिंग कितने पीरियड में स्टार्ट हो जाती है? 9 to 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 9 से 12 मंथ के बाद। द नेटिव ऑफ पपाया इज, पपाया का ओरिजिन क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका। द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू पिगमेंट, पपाया में येलो कलर किस कारण होता है? कैरिका जेंथिन की वजह से। द किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज कौन सा है? एप्पल, जो कि रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है। द मदर ऑफ ऑल डिलीशियस ग्रुप ऑफ कल्टीवार इज रेड डिलीशियस। द किंग ऑफ एल्डी फ्रूट किसे कहते हैं? बेर को। जो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है ग्रेप में वो कौन सा है? हार्डवुड कटिंग। द इंडिया, इन इंडिया द ब्लैक सोइल इज मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सोइल मोस्टली इंडिया में? महाराष्ट्र में। द रेड सोइल इज मोस्टली फाउंड इन, और रेड सोइल कहाँ पे पाई जाती है? ज्यादातर तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज द सोइल विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मोस्ट क्रॉप इज, ऐसी कौन सी सोइल टाइप है जो कि मेनली सुटेबल है आपकी मेजर क्रॉप्स के लिए? दैट इज सैंडी लॉन्ग सोइल। द लोमी सोइल्स हैव टेक्सचर्ड पार्टिकल, दैट इज सैंड सिल्ट क्ले, इन द प्रोपोर्शन ऑफ कितने रेशियो में होते हैं? 20:40:40 में। द क्लोराइड्स आर बेसिकली सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम विद सम आयरन एंड एल्यूमिनियम। द रेड कलर जो होता है आपका रेड सोइल में वो किस वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑक्साइड ऑफ आयरन, राइट। द रेड कलर ऑफ द सोइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, कौन से मिनरल? हेमाटाइट। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फिक्स करती है नाइट्रोजन का इसमें पैडी क्रॉप में अंडर द फील्ड कंडीशन में, अंदर समर्ज कंडीशन में। बिच कल्चर इज फेवरेबल फॉर द ग्राउंड कल्टिवेशन के लिए? राइजोबिया कल्चर। द वर्टिकल सिलेक्शन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल इट्स होराइजन एक्सटेंडिंग इन टू द पेरेंट मटीरियल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज टेक्सचर, जो होता है दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड दे एग्रीगेट इन टू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न। सॉइल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और उसके एग्रीगेट की अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न में, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर। यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट इन टू सर्टेन डेफिनेट पैटर्न। पीडोलॉजी कंसिडर सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। विच कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर कंटेन्स मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट, जो मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट होता है वो कौन से ऑर्गेनिक मेन्योर में पाया जाता है? दैट इज इन गुआनो में पाया जाता है मैक्सिमम फॉस्फोरस कंटेंट। द मेजर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर, जब ऑर्गेनिक मेन्योर की डिकम्पोजिशन होती है तो जो मेजर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? दैट इज ह्यूमिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक मेन्योर हैविंग द नैरोएस्ट सीएन रेशो, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक मेन्योर है जिसकी सबसे कम नैरोएस्ट सीएन रेशो होती है? तो दैट इज ग्राउंडनट केक। द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ट्रू डेंसिटी, जो पार्टिकल डेंसिटी है उसको हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। जनरली द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल सॉइल कितनी होती है? 65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो बल्क डेंसिटी होती है नॉर्मल सॉइल की वो कितनी होती है? लगभग 33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन इन इंडिया में कौन सा है? यूरिया है। द फर्स्ट सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? रशियन साइंटिस्ट डोकुचेव ने, कब? 1880 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्वानो इज ए वैल्यूएबल फर्टिलाइजर विच इज रिच इन नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में। ओके, ग्वानो अकुमुलेट्स इन द, कहाँ कब ग्वानो की जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है? तो ये ग्वानो जो होता है वो अकुमुलेट होता है कब? इन द रेनलेस कोस्टल रीजन और ऑन द आईलैंड जहाँ पे बर्ड्स इकट्ठा होते हैं, सच एज द चिंका आईलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, गैलापागोस आईलैंड ऑफ द इक्वाडोर एंड ऑल्सो अदर आईलैंड ऑफ द लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आईलैंड एंड ग्रैंड कैनियन, बैट केव इन एरिजोना। ओके, तो मेनली जो आपके बर्ड के एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे उसका रोल होता है आपका ग्वानो बनने में। और जो हाइड्रोक्सी या पेटाइट जो है एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है और बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, ठीक है, हाइड्रोक्सी या पेटाइट। द ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन और एनिमल की दोनों की हड्डियों में क्या होता है? हाइड्रोक्सी पेटाइट। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट में
monetite formation has been reported through the interaction of guano and limestone in the caves. The common criteria generally used to determine carbon dioxide concentration in the soil pore space is oxygen diffusion rate. For an ideal soil, जो मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स की रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:1 होनी चाहिए. जो लॉ ऑफ मिनिमम वो किसने दिया था, जस्टिस वॉन लाइबिग ने कब, 1840 में. द टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है, ए होराइजन होता है. द टर्म पीएच किसने इंट्रोड्यूस की थी, सोरेनसन ने 1909 में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कल्चर हैविंग द डिजायर्ड स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं उसे हम. क्रॉप लॉगिंग टेक्निक वाज गिवन बाय किसने दी थी, एफ क्लीमेंट ने. मेटल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर. हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. द बर्ड प्लाज्मिड वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जोशुआ लीडरबर्ग ने दिया था, किसमें, 1952 में दिया था. ठीक है, और ये प्लाज्मिड वर्ड जो होता है हम कह सकते हैं कि तरह से इट इज यूज टू मेजर और डिस्क्राइब एनी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी एलिमेंट. द सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बेस पॉपुलेशन मीन एंड द मीन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट. अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट फिलिप एलन शार, ही उसको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ स्प्लिट जीन्स. ओके, द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल वेरिएशन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन वाज डेवलप्ड बाय बेबिलोव कब, 1951 में, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ रीजन. जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है उसको हम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल भी कहते हैं, राइट. तो ये जो थ्योरी में या लॉ है ये क्या बोलता है कि दैट एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं इन ए पॉपुलेशन वो सेम रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अगर वहाँ पे कोई भी अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, और जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1930 में फॉर हिज पायनियर वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे. तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. थैंक यू. जय हिंद.